पौड़ी गढ़वाल के लेंस टाउन में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करते हुए देश के पहले CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व CM सहित सभा में पहुंचे तमाम लोगों ने जनरल रावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन भी रखा। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बिपिन रावत का जाना देश के साथ साथ उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। साथ ही पूर्व CM ने जनरल रावत की बेटियों का जिक्र करते हुए कहा कि जनरल रावत की बेटियां उनकी तरह ही बहादुर हैं और हमारी सरकार बेटियों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और मैं समझता हूं कि ऐसे इंसान बहुत विरले होते हैं, बहुत कम इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो स्वभाव से बहुत सरल हों। अपने बच्चों के साथ भी उनको देखा, किस तरह से वो घुलते मिलते थे युवाओं के साथ, और जब कभी निर्णय लेने की बात आई तो निर्णय लेने में जितने वो निडर थे, उत्तराखंड को भी उनकी वजह से एक विशेष पहचान मिली। जब उत्तराखंड के लोग देश के किसी कोने पर जाते थे तो लोग पूछते थे कहाँ से हो, उत्तराखंड से हैं, जहाँ से जनरल रावत हैं क्या, यहाँ से वहाँ से। मुझे बहुत नज़दीक से के साथ जानने का मौका मिला। कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे जिन्होंने अपने अपने तरीके से जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व CM लैंसडाउन ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में सबसे पहले जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।